उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है। आने वाले 48 घंटों के भीतर राज्य के कई हिस्सों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। ये स्थिति बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पैदा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 24 अक्टूबर को दो दिनों तक मौसम में इसी प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 22 अक्टूबर को बताया कि यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दिन बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 23 अक्टूबर को भी मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 24 अक्टूबर से यूपी के पूर्वी हिस्से के कई जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 25 अक्टूबर को भी हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इस बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ने लगेगी। वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार अगले दो दिन यूपी के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। फिर हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है। दिवाली के बाद ठंड में इजाफा होने की संभावना है, जिसे रात और दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाकी जिलों का हाल कुछ ऐसा है। नजीबाबाद 18.6 डिग्री सेल्सियस, मेरठ 19.7 डिग्री सेल्सियस, आगरा 20 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के मौसम में इस बदलाव के साथ ही प्रदेश के निवासियों को सलाह दी गई है कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और मौसम के अनुसार तैयारी करें। हल्की बारिश और ठंड का आगमन सभी के लिए एक नया अनुभव लेकर आएगा, लेकिन इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखना खासा जरूरी हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल टीम।